आ गया है मेरा सी सेशन का स्टोरी ऑफ बोथ ऑफ द प्रेगनेंसी। बोथ ऑफ द प्रेगनेंसी बहुत से लोग बोल सकते हैं क्या बोथ ऑफ द प्रेगनेंसी, मैं बता देती हूँ, मैं डबल प्रेगनेंसी मतलब 2024 चल रहा है इस टाइम में भी मैं प्रेगनेंट थी एंड 2 महीने हो चुके हैं मेरा डिलीवरी का एंड 2018 को भी मेरा एक बार हो चुकी है। तो दोनों स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरा LSCS फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड सेकेंड एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और ये बता देती हूँ कि दोनों जो मेरा सी सेशन था बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा। फिलहाल मैं नर्स हूँ फिर भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है शायद आप लोगों को। फर्स्ट सी सेशन जब था 2018 था, तो फिलहाल मैं नर्स हूँ, तो एक साल ही हुआ था उस टाइम में मैं जॉब छोड़ते हुए क्योंकि मैं प्रेगनेंट थी। उस टाइम में मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि रास्ता खराब था, इस वजह से मैंने जॉब भी छोड़ दी। तो फिलहाल इसके बाद मेरा सी सेशन, मैं डेट भी बता देती हूँ, 22 सितंबर था। सुबह को मुझे बोला है जाके एडमिट हो जाने के लिए कुछ खाए, तो मैं सुबह आराम से गई, फ्रेश होके मैं चली गई एंड वहाँ पर जाने के बाद दिल ढकढक ढकढक करने लगा। हस्बैंड तो और जो होता है नॉर्मल लेने के बाद, थोड़ा इंतजार करने के बाद सिस्टर लोग आए, और जो स्टार्टिंग में होता है कि एंटीबायोटिक टेस्टिंग के लिए दिया जाता है, तो स्किन टेस्ट किया है, जो स्किन में देते हैं टेस्ट करने के लिए, कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं कि रिएक्शन हो या ना हो। तो ये वो लोग टेस्ट किए एंड IV कैनूला लगाए हैं, यहाँ पर थोड़ी देर बाद कैथेटर लगाया है, स्टार्ट हुआ है वही से कैथेटर। कैथेटर जब लगाया है मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हुआ है ना, पता नहीं क्यों, मुझे मन में ऐसा लग रहा है कि मेरा यूरिन अटक सा गया है, अटक सा यूरिन नहीं कर पा रही, ब्लडर फुल हो रहा है, प्रेशर आ रहा है बहुत, पर मैं यूरिन नहीं कर पा रही, आंखों से पानी आ चुके हैं। मैं बार बार मेरा मतलब घर के लोगों को बता रही हूँ, जाके बताओ चलो शायद ब्लॉकेज है, मतलब कैथेटर पाइप में ब्लॉक होने से यूरिन नहीं आ रहा होगा। सिस्टर ने आया देखा कि नहीं ब्लॉकेज कुछ है नहीं, और ऐसा लग रहा है कि कैथेटर भी मूव कर रहा है। बाप रे, ये मतलब ये ना ये प्रॉब्लम मेरा सेकंड प्रेगनेंसी में मतलब सेकंड सी सेशन टाइम में भी ऐसे सेम हुआ है। उसका कारण मैं लास्ट में जाकर बताऊंगी, जाकर बताई दोनों टाइम में मेरा ऐसा लगा कि ब्लडर फुल है, यूरिन नहीं आ रहा है, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है पर मेरे साथ ऐसा हुआ, इसका भी रीजन है मैं बताऊंगी। तो ये सब होने के बाद चलता गया, सिस्टर आके थोड़ा कैथेटर वैथेटर इधर उधर किया, तो थोड़े देर में ये मतलब रिलीव हो गया। मेंटली ऐसा प्रेशर था, मतलब साइकोलॉजिकली ऐसा हो रहा है पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉक हो जाएगा। जब भी कैथेटर लगा हुआ पेशेंट को देखती हूँ ना, और किसी ना किसी पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मुझे भी ऐसा फीलिंग हो रहा है अनकम्फर्टेबल। 8 बजने के पहले मुझे 3 बजे को लेके गया है OT में, स्ट्रेचर में उठा के लेके जा रहे थे, ऐसा दिल धक धक दूसरों को काटते हुए बहुत देखा, खुद कटने जा रही हूँ ये तो, ओह माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, मतलब वो सीन ना जो भी कोई हो खुद को काटने का कोई किसी को शौक नहीं होगा शायद, मुझे लगता है साइकेटिक पेशेंट को शौक है। तो OT में लेके जो सब टाटा बाय बाय बोल रहे, पता नहीं मन में ना ऐसा लगता है ना कि वापस आ पाऊंगी कि नहीं, ये एक डर सा रहता ही है मन में कि वापस फिर OT से निकल पाऊंगी नहीं, होश में आ पाऊंगी कि नहीं, सबको देख पाऊंगी कि नहीं, फिर मेरा जिंदगी नॉर्मल जिंदगी में जी पाऊंगी कि नहीं, या दुनिया से निकल चली जाऊंगी, पता नहीं। तो ऐसा मतलब मन में चल रहा था। तो फिलहाल OT के अंदर मैं लेके गए, लेके जाने के बाद OT टेबल में मुझे उठाया गया, और उठाने के बाद क्या होता है BP वगैरह वो लोग चेक करते हैं, चारों तरफ से टो 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 साउंड हो रहा था, और रूम बहुत अच्छा था, ऐसा एकदम नेचुरल रूम था, ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर में बीच में बिस्तर है, बड़ा सा वेंटिलेटर भी है, उस तरफ मैं देख रही थी, AC भी आराम से चल रहा था, तो ठीक ही है, अच्छा लगा मुझे, मतलब OT जैसा महसूस नहीं हुआ उस हॉस्पिटल में, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, घर जैसा, हॉस्पिटल ही पूरा ऐसा ही है, जैसा होम स्टे करने के लिए हम लोग जाते हैं वैसे एकदम नेचुरल रूम था, ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर में बीच में बिस्तर है, बड़ा सा वेंटिलेटर भी है, उस तरफ मैं देख रही थी, AC भी आराम से चल रहा था, तो ठीक ही है, अच्छा लगा मुझे, मतलब OT जैसा महसूस नहीं हुआ उस हॉस्पिटल में, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, घर जैसा, हॉस्पिटल ही पूरा ऐसा ही है, जैसा होम स्टे करने के लिए हम लोग जाते हैं वैसे ही है ऑलमोस्ट। तो गाइज, वहाँ पर मैं जाने के बाद एनेस्थीशियन आए, वाइटल्स वगैरह चेक किए, मतलब BP वगैरह ये सब चेक करने के बाद मुझे उठ के बैठने के लिए बोलते हैं ना, ऐसे बैठने के लिए बोलते हैं,
स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, सब पीछे में इंजेक्ट करते हैं। तो वो लोग इंजेक्ट किया है पीछे के साइड में। इंजेक्ट करने के बाद इमीडिएटली वो लोग सुला देते हैं। तो एक बार ने जो मेरा जो डॉक्टर है गायनो डॉक्टर, वो आए थे, इसके सेंसेशन है कि मेरा झिम झिम होता है कि नहीं, पेड़ में से पूछ रहे झिम 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 करता है धीरे धीरे करते होता है ना। तो पिंच किया तो थोड़ा थोड़ा बहुत हो रहा था, मैं बोला थोड़ा परसेंट है मुझे, पेन मुझे हो रहा है। फटक से वो लोग काटना वाटना शुरू करते, मुझे तो पता चल रहा है मुझे डर, मतलब उतना सीवियर दर्द नहीं पर हल्का दर्द हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मुझे काट रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेंटली मैं फुल्ली एक्टिव थी। मतलब हाँ, पहले तो पूरा भी होश, आजकल तो ऐसा नहीं करता है ना, नीचे का पार्ट ही सिर्फ सेंसलेस करता है एनेस्थेसिया देके। मुझे सब पता चला, मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि मुझे ना जैसे काटा जा रहा है, मुझे पता चल रहा है, खस 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 आवाज़ सुनाई दे रहा है और आंखों में पट्टी था वो भी थोड़ा हल्का बहुत दिखाई दे रहा था। और वो लोग ऐसा खींचा है, मतलब मसल्स का जो लेयर होता है ना वो लोग खींचते हैं ना, स्किन को भी ऐसे अपर के ऐसा ऐसा खींच रहा था, वो भी मुझे महसूस हो रहा है, मतलब मैं हील रही हूँ, वो लोग मतलब पुश कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। हल्का हल्का दर्द होता है, मतलब जब पैर छिन छन 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 हो जाए तो उसमें ऐसे क्लिक करने से जैसे दर्द होता है वैसा दर्द हो रहा था ना, मतलब काट डालने का जो दर्द है वो असर नहीं हुआ है। उसके बाद मैं बार बार बता रही, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें मतलब मुझे सब कुछ पता है, मतलब एक्चुअली मैं नर्स हूँ तो सब कुछ पता होता है ना, अभी कट हुआ है ये हुआ है। तो प्रोसीजर के बाद एक मेरा दिमाग में पहले से ही सर्कल वाइज सीरीज वाइज चल रहा है, इसलिए मुझे भी सेंसेशन हो रहा है कि मुझे ऐसा पेन हो रहा है। डॉक्टर ने बोला इसलिए तुमको ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं भी ऐसा कंट्रोल करके रखती हूँ। और बेबी को भी अंदर से खींच रहा है ना, ऐसा हाथ डाल के ऐसे निकालते हैं, ऐसा लग रहा है पूरा पेट में ऐसा ऐसा हाथ घूम रहा है, पूरा पता चला मुझे। और डर भी लगने लगा, भी पता नहीं क्या होगा, मैं इतना बेयर कर पाऊंगी कि नहीं, जिंदा रहूंगी या मर जाऊंगी ऐसा लग रहा है। तो फिर भी मतलब मैं मन में बैठी थी एक बार शायद हो सकते हैं बेबी को दिखाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ऐसा उस टाइम ऐसा भी फील हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी जो लोग करते हैं पेन इतना फील करते हैं, और कभी कभी दो तीन घंटे भी लग जाते हैं, किसी किसी के तो नहीं लगते हैं। मैं तो पहले से ही नामंजूर थी नॉर्मल डिलीवरी का, पर नॉर्मल डिलीवरी अच्छे होते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है पेन से, मैं पेन बियर नहीं कर पाती हूँ, मतलब यही मेरा प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर को मैं बार बार बताया, तब स्टिच किया, उसी टाइम में भी बेबी मतलब बेबी निकल जाने के बाद बेबी को मैंने देखा है कि पीछे से निकला है, पेड़ ऊपर बटक और बैक साइड मैंने हल्का हल्का देखा है, वैसे करके मेरा फर्स्ट डिलीवरी हुआ है। उसके बाद उसको साइड में लेके गया और बताया कि बेबी गर्ल हुआ है, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड अभी भी खुश हूँ उसको लेके, और पर बहुत नॉटी है। तो फिलहाल उसके बाद स्टिच कर रहा था, वो भी मुझे बहुत मतलब पता चल रहा था, मतलब मैं डॉक्टर को बताया कि मुझे मतलब ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ कुछ कीजिए। इसके बाद डॉक्टर ने बोला रुक जाओ थोड़ा, स्टिच करने के बाद मैं तुमको सोने की तब मत आराम करने का दवाई मैं दे दूँगी। इसके बाद शायद वो लोग इंजेक्टेबल किया है, पेन किलर दिए है या नीम की इंजेक्शन कुछ दिया होगा, पूरा सेंस था मुझे उठी में पूरा पता चला, पेन भी हो रहा था, बार बार बता रहे उतना हाई पेन भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद मुझे स्टिच करने के बाद इंजेक्ट करने के बाद बहुत देर के बाद मुझे ऊपर से निकाला गया। तो जब मैं निकाल बाहर आ रही थी, पूरा आँख मेरा धुंधला धुंधला हो रहा था उस टाइम में, मतलब ओटी के टाइम में तो पूरा सेंस में थी मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं पूरा बात कर रही थी वो हो रहा था, और उस टाइम में ना मैं बात कर नहीं पा रही, मुँह से मुँह लग रहा है ऐसा मुझे बात आ रहा था। हस्बैंड को देखा तो उसको बताया बेटी हुआ है ये हुआ है, तो बोला ठीक। उसके बाद मुझे और कुछ पता नहीं, सब लोग बता रहे थे कि उसके बाद मैं उल्टा पुल्टा बकने लगी हूँ, पर मुझे इसके बारे में पता नहीं। रात को उठ गई, रात को उठने के बाद बेबी को फिट किया, क्योंकि मुझे और एक प्रॉब्लम था कि बेबी को फिट करवाना नहीं है, क्योंकि जॉन्डिस का आजकल बहुत हो रहा है न्यू बॉर्न बेबीज को, अगर अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है तो बेबी को जॉन्डिस होने का चांसेस बहुत कम होता है, इसीलिए मैं रात भर उसको पिलाई, वो भी पिया है और रोया भी नहीं, एकदम भी मेरा बेबी रोई नहीं है, बेबी गर्ल जो रुकी वो रोई नहीं है। बाकी साइड में और भी कुछ डिलीवरी हुआ था, सब बच्चे लोग रात भर रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के आवाज़ सुनाई दे, पर मेरा जो उठ पिए हैं और सो रहे थे, पी रहे थे और सो रहे थे, आवाज़ भी उसका आया ही नहीं है। और लकली मतलब नेक्स्ट डे में मैं कब उठूँ ऐसा लगा,
तो रात भर तो सेलाइन चलता रहता है, इंजेक्शन आके डॉक्टर नर्स लोग आके देते हैं, पेन किलर चल रहा था तो पेन भी नहीं था। नेक्स्ट डे मेरा विल पावर ऐसा था कि मैं उठ सकती हूँ, खुद ग्रूमिंग वगैरह कर सकती हूँ, ब्रश बाथरूम वगैरह, तो मैं खुद उठ गई, ब्रश किया, तो ये सिस्टर पूछ के मैं उठ गई, बाथरूम गई, फ्रेश हो गई, ब्रश किया, बाल वाल ठीक किया, तो डॉक्टर आके बोल रहे थे पाओ तुम पेशेंट हो, बोल के नहीं लग रहे इतना फ्रेश तुम्हें, तुमको ही लग रहा है पेशेंट होके भी, तो मुझे अच्छा लगा सुन के, ठीक है, पेन भी नहीं था इसलिए मैं कर सकती हूँ, मैं बोला क्यों बर्डन होना है इतना, जस्ट मुझे थोड़ा पकड़ के उठा दिया बस, उसके बाद मैं खुद जा पाई। मम्मी ने बोला कि मैं तुमको बाथरूम तक छोड़ दूँ, बोला नहीं मैं जा सकती हूँ, धीरे धीरे कोशिश करके कर लिया, तो बहुत ही आसान था मेरा फर्स्ट सीजरियन सेशन। और सिर्फ ओटी के टाइम में मुझे पेन, मतलब जो आधा घंटा उस टाइम में पेन हुआ है, मतलब पता नहीं ये मेंटल साइकोलॉजी के लिए हुआ है या फिजिकली हुआ है, अभी मैं कंफ्यूज हूँ। पर मेरा जब सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ है, सेकेंड प्रेगनेंसी का जो सर्जरी सी सेशन वो था बहुत ही अलग और बहुत ही बड़ी। आज मैं ये पर ही ख़त्म करती हूँ, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। सेकेंड सेशन में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी मेरा सेकेंड सी सेशन की स्टोरी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके इतना सा ही प्यार मुझे चाहिए प्लीज़।